ब्राह्मण के द्वारा, तो बता रहे हैं जो मध्य स्थान में रहते थे उनको बोलते हैं कि मध्य गेह ब्राह्मण, मध्य गेह ब्राह्मण, और वही मध्य गेह ब्राह्मण ही सब लोग रहते थे उसी धनु तीर्थ में। धनु तीर्थ में ही जो पाली का तीर्थ है उसी धनु तीर्थ में ही सारे ब्राह्मण रहते थे, मध्य गेह ब्राह्मण रहते थे। उसमें एक नारायण भट्ट बोल के एक बड़े विद्वानी ब्राह्मण थे और इतने धन संपत्ति नहीं था, और बता रहे हैं कि बड़े भगवान का भजन करने वाले नारायण भट्ट बोल के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका पत्नी का नाम है वेदमती। अपने पति के साथ रह के बड़े सुंदर से भजन करते थे। बहुत लंबे समय के बाद उनका काल क्रम से दो पुत्र होते हैं, लेकिन दो पुत्र हो फिर भगवान के धाम पे चले जाते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। फिर उन्होंने देखते हैं कि किस प्रकार हमें चिरंजीव पुत्र मिले, किस प्रकार हमें एक जो दीर्घायु पुत्र मिले, इसीलिए वो क्या करते हैं 12 साल तक केवल दूध पी के, कितना 12 साल तक वो केवल दुग्धपान करके भगवान शेष साई भगवान जो श्री रंगनाथ जी देखें ऐसे शेष के ऊपर लेटे हुए हैं ठाकुर, तो शेष साई भगवान श्री रंगनाथ जी को ध्यान करते हैं, रंगनाथ जी को भजन करते हैं, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होके उनको एक दीर्घायु पुत्र देते हैं। और उसी समय पे ही श्री उनके गर्भ में श्री माधवाचार्य हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनके गर्भ में आते हैं। किनके कृपा से? ये भगवान की कृपा से ही आते हैं। देखो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनम सुजामि परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्था पुनर्धाय संभवामि योगे। बता रहे हैं कि जिस समय धर्म का अगर पुनस्थापन किया जाएगा, पुनस्थापन करने के लिए या तो स्वयं भगवान आते हैं या तो भगवान अपने कोई परिकर को भेजते हैं, भगवान ही स्वयं क्या करते हैं आचार्य बन के आते हैं। भगवान उद्धव को ये बात स्वयं कहते हैं, आचार्य मांग भी जानियात न अवमन्यत कहचित न मर्त्या बुद्धि आसुएत सर्वदेवमय गुरु। हे उद्धव, आचार्य मेरे ही स्वरूप है। तो बता रहे हैं कि किसी किसी समय पे भगवान स्वयं आ जाते हैं, राम कृष्ण आदि, लेकिन किसी किसी समय में अपने विशिष्ट परिकर को भेजते हैं जगत में ये धर्म को पुनस्थापन करने के लिए, इसीलिए भगवान ने ये मध्वाचार्य को भेजा। तो ये मध्वाचार्य कौन है, ये मध्वाचार्य कौन है? तो बता रहे हैं कि ये मध्वाचार्य जिस प्रकार 17वें एक मन्वंतर में जिस प्रकार केसरी के और अंजना माता के गर्भ में हनुमान जी आए थे कि नहीं, हनुमान जी जन्म हुए थे त्रेता युग में, और बता रहे हैं कि 28वें द्वापर युग में जिस प्रकार भीमसेन आए, कुंती माता के द्वारा भीमसेन आए, तो बता रहे हैं उनके ही वायु के ही अंश है ये, कौन है ये मध्वाचार्य है। इनका क्या प्रमाण है? तो बता रहे हैं इनका शास्त्र में श्री मध्वाचार्य का प्रमाण बता रहे हैं कि मध्वात्यानंद उत्तिष्ट विरीति ज्ञान मुच्यते मध्व आनंद तीर्थ स्यात् तृतीय मारुति तनु। ये तृतीय मारुति तनु मतलब पहले जो हनुमान जी आए वो तो पहले हनुमान जी त्रेता युग में, फिर उसके बाद द्वापर युग में कौन आए, हनुमान जी वायु के ही पुत्र, कौन है वायु के पुत्र, कौन है ये भीमसेन है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि तृतीय मारुति तनु, ये तीन नंबर अवतार कौन है, ये वायु के ही पुत्र कौन है, ये मध्वाचार्य है। और इसके अलावा भी जो महाभारत में एक जगह पे महाभारत के तात्पर्य निर्णय पे एक जगह पे ये पितामह भीष्म जिस समय सरसज्जा हो गया था उसी समय ये युधिष्ठिर महाराज को कुछ उपदेश देते हुए उसमें एक श्लोक को वर्णन कर रहे हैं, शास्त्र में बता रहे हैं चतुस्सहस्रे त्रेता एस्ते गते है संवत्सरे गणाहु कलोहु पृथ्वी साम जातः पुनः विप्रतनुस भीमोह दैत्य गुणः हरि तत्वानमि। हरि तत्वानमि, हरि के गुण को प्रचार करने के लिए जातः पुनः विप्रतनु, पुनः क्या होगा फिर से कौन ना स भीमो, हे भीम तुम क्या हो गए, तुम्हारे जो युधिष्ठिर महाराज जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो छोटे भाई भीम है ना ये पुनः क्या करेगा ना कली काल में ही पुनः विप्र के एक ब्राह्मण के घर में भगवान के प्रचार प्रसार भगवान के जो ज्ञान को जगत में भगवान के जो महिमा को प्रचार करने के लिए पुनः आएगा।
तो ये पहले से ही शास्त्र में इस बात का प्रमाण है और बता रहे हैं। इसी प्रकार से माधवाचार्य इस जगत में आए तो पिता माता ने उनका नाम दे दिया। देखो किसका आराधना करते थे, शेष साई भगवान अनंत वासुदेव। अनंत वासुदेव के कृपा से ही 12 साल तक तपस्या किया, दुग्धपान करके व्रत किया, इसीलिए भगवान की कृपा से ही मिला। तो इनका नाम भी क्या दिया, अनंत वासुदेव के नाम से इनका नाम भी हो गया वासुदेव, वासुदेव भट्ट। बचपन से बड़े मेधावी थे, बड़े दिव्य ज्ञान थे और बता रहे हैं कि इनका बचपन से अद्भुत अद्भुत लीला की। एक समय इनके माताजी वेदमता देवी, तो एक समय ये घर में देख के बोल के कहे कि एक छोटे से कटोरे में दूध रख के चले गए। बोले देख लो ये दूध को कोई बिल्ली ना खा जाए, दूध को यहीं पे रुक के ही रहना, इधर उधर मत जाना। तो माताजी कहीं चले जाते हैं और चल के फिर से दोबारा आते, देखते हैं ये माधवाचार्य वासुदेव भट्ट ये खेल रहे हैं बाहर। तो पूछते हैं अरे दूध को तो बिल्ली खा गया होगा, तुम यहाँ खेल रहे हो? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं खाया होगा, चलो दिखाता हूँ। तो जैसे ही देखते हैं एक विराट का एक चट्टान पत्थर, उसको कैसे उठा करके लेके वो दूध के जो छोटे कटोरे के ऊपर रख दिए। इतने छोटे आयु में भी आश्चर्य हो जाते कि इतने बड़े पत्थर को ये छोटे बालक कैसे उठाया, ये कौन है, ये साक्षात कौन है, ठाकुर नहीं, ये साक्षात हनुमान जी है। कौन क्या उठाए थे, गंधमार्दन पर्वत को उठा के लेके आए थे, जिस समय शत्रुघ्न लक्ष्मण का जिस समय मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण। तो बता रहे हैं इनका लिए साधारण पत्थर उठाना कोई बड़ी बात नहीं, तो पहाड़ उठाने वाले हैं। तो इस प्रकार का अद्भुत लीला करते हैं। और एक समय एक इनके पिता के ऊपर बड़े ऋण था, कर्जा था। तो इतने बड़े साम्रांत परिवार में भी जन्म ग्रहण नहीं किए थे, कर्जे चुका नहीं पा रहे थे। तो जो कर्जेदार इनके पास पिता के पास आके हर समय क्या करता था, पिता को अपमानित करता था। किसको, ये नारायण भट्ट उनके पिता को। लेकिन जैसे ही इनके छोटे से आयु में 5 साल के आयु में इन्होंने देखा कि ये पिता के ऊपर पैसा बार बार मांग रहा है, तो इन्होंने कर्जेदार को बुलाया और कर्जेदार को बुला करके अपने जो बाग में एक इमली का पेड़ था, उसी इमली का पेड़ से कुछ पत्ते को निकालते हैं और कुछ पत्ते को निकाल करके हाथ में मुट्ठी करके उसके हाथ में दे देते हैं। और बोले मुझे पत्ते क्या दे रहे हो, कर्जेदार बोले मुझे पत्ते क्या दे रहे हो? तो उन्होंने बोला देखो तुम घर जाके देखना। तो जैसे ही वो घर जाके देखता है, इतना सारा धन संपत्ति, कर्जे से भी और अधिक धन संपत्ति दिया, इस प्रकार अपने पिताजी का कर्ज भी चुका दिया। और इतने तेजा इतने मेधावी थे कि इनको पिता ने सोचा कि अभी बच्चा को हम क्या करें, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसको गुरुकुल में भेज दे। तो जैसे इनको गुरुकुल में भेजा गया, तो उसी समय गुरुकुल में ये हर समय कभी पढ़ते ही नहीं थे, खेल कूद करते थे। तो एक समय इनके मास्टर उनको, वो जो गुरुजी है, वो बड़े इनको गुस्से करते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो, तुमको पढ़ना चाहिए। तो सारे बच्चे हंसने लगते, बोले इसको पढ़ने का आवश्यक नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो गुरुजी ने आश्चर्य हो गए, पूछ लिया। तो वहाँ पे श्री वासुदेव भट्ट यानी श्री माधवाचार्य ने जो चीज़ पढ़ाया हुआ है और जो चीज नहीं पढ़ाया हुआ है, वो सारे के सारे बात बोल देते हैं। जो वो गुरुजी के भी मतलब दिमाग नहीं, वो सारे के सारे बात बोल देते हैं। देखो जो महापुरुष है ना, उनको ये जागतिक विद्या ये सब इन सबसे कोई लेना देना। हमारे एक आचार्य है यहाँ पे फोटो से, भक्तिवन बावन गोस्वामी महाराज, उनके जीवन चरित्र में भी ऐसा देखा जाता है कि किसी समय लाइब्रेरी से ग्रंथ लेके जाते थे और कुछ दिन में फिर वापस कर देते थे। तो लाइब्रेरी वाला एक बार पूज्यपाद भक्तिवन बावन गोस्वामी महाराज जी को पूछता है कि आप सच में पढ़ते हो या ग्रंथ लेके केवल मुझे लाइब्रेरी में रिटर्न कर देते हो? वो पूज्यपाद महाराज जी कहते हैं कि आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पूछ लो। तो लाइब्रेरी का था, उसने क्या किया, एक बुक लिया और पूछ देते हैं। तो पूरा का पूरा एज इट इज वही बोल देते हैं, पूरा का पूरा एज इट इज वही बोल देते हैं। इसी प्रकार तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना बड़े विद्वानी थे और बता रहे हैं कि एक समय एक डंडा लेके आए, सूखे हुए लकड़ी लेके आए,
और अपने पिताजी को बोले, पिताजी मैं जगत में क्या करूंगा, ये द्वैतवाद को प्रचार करूंगा और मायावादी को खंडन करूंगा, इसको प्रचार करूंगा मैं। तो उनके पिता तो हंसने लगे, बोल रहे हैं ये दंडा से कोई पेड़ हो सकता है क्या? ये दंडा से जिस प्रकार, दंडा को कोई लगाने से जिस प्रकार बोने से पेड़ होना जैसे असंभव, तुम्हारा ये जगत में मायावाद को खंडन करना और जगत में ये अद्वैतवाद को, द्वैतवाद को तुम्हारे जगत में प्रचार करना ये असंभव है, तुम कर ही नहीं सकते हो। तब तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक उसी लकड़ी को लेके वहाँ जमीन में गाड़ दिया और देखते ही तुरंत एक विशाल द्रुम वृक्ष हो गया, एक बड़े पेड़ हो गया। अभी भी पाजिका क्षेत्र में उडुपी में वो पेड़ है, अभी भी वो पेड़ है, माधवाचार्य ने जहाँ पे ये किया था। तो बता रहे हैं उसी पेड़ को क्या किया ना, पूरा इतना भयंकर विशाल पेड़ देख के पिता आश्चर्य हो गए और सोचने लगे ये निश्चित रूप में ये भगवान का क्या करेगा, जगत में प्रचार प्रसार करेगा। अब पिताजी का टेंशन हो गया, पिता माता क्या टेंशन देता है बच्चे को, कभी हम शादी कर दे हैं, ये साधु बन जाएगा, भगवान का प्रचार करेगा तो साधु बन जाएगा कि नहीं। तो पिता माता सोचने लगे हम इसको क्या करेंगे, अभी शादी कर देते हैं। तब नारायण भट्ट और वेदमती देवी ने उनके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। अब इतने में इनको पता चल जाता है, 12 साल के आयु से ही इन्होंने घर छोड़ दिया, छुपके घर से चले गए और घर छोड़ दिया और जगत में उसको प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। 12 साल के आयु में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण करने का पूरा दृढ़ संकल्प लिया और अच्युत प्रेख्य बोल के, उनका गुरु का नाम क्या है, अच्युत प्रेख्य बोल के गुरु से इन्होंने मंत्र दीक्षा ग्रहण किया और उनसे ही संन्यास लिया। संन्यास के बाद उनका नाम हो गया श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ आनंद तीर्थ मध्वाचार्य, उनका सन्यासी नाम। बता रहे हैं कि आनंद तीर्थ, देखो मध्वाचार्य क्यों हुआ, मध्वाचार्य यानी मधु, मधु शब्द का जो बोध है वो क्या है, आनंद अर्थ में है। जैसे कैसे बताऊं, जैसे कि रसगुल्ला, रसगुल्ला हम जैसे नाम बोलते हैं हम क्या इच्छा होता है, अच्छा लगता है कि नहीं, कोई बोलेगा कीचड़ हमें गंदा फील होता है कि नहीं। तो बता रहे हैं जो मधु शब्द है, जो शहद है, शहद के नाम सुनते ही सब लोग आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं ये क्या है ना, ये आनंद बोध है और वह शब्द अर्थात ज्ञान तात्पर्य। तो जो भगवान के हर समय क्या करे, जो आनंदमय ज्ञान को जगत में जो प्रचार करे, इसलिए इनका एक और नाम आनंद तीर्थ भी हुआ। आनंद तीर्थ यानी हर समय भगवान के नाम में पूरा डूबे रहते हैं। देखो जो हमारे चार संप्रदाय है, हमारे जो चार संप्रदाय है, और चार संप्रदाय में कुछ कुछ विशेष बात है। जिस प्रकार की श्री संप्रदाय में इनका आचार्य रामानुचार्य है, इनका जो मतवाद है विशिष्ट अद्वैत मतवाद है इनका, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत मतवाद को जगत में प्रचारित किया, श्री भाष्य लिखा और जगत में बड़े सुंदर इनका भगवान का महिमा को प्रचारित किया। और जो दूसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय का जो आचार्य विष्णु स्वामी है, इनके संप्रदाय में ही हमारे श्रीमद् भागवतम का जो प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर गोस्वामी, नाम सुने हो, श्रीधर स्वामी जो टीकाकार, इनके संप्रदाय में ही आए और भागवत में बड़े सुंदर सुंदर रूप में टीका लिखे। इनका जो मतवाद है शुद्ध अद्वैत मतवाद, इनका मतवाद क्या है, शुद्ध अद्वैत मतवाद। और जो सनक संप्रदाय है उनका जो आचार्य है निम्बकाचार्य, निम्बादित्य जो चतुसंध से आए हैं। तो बता रहे हैं इनका जो मतवाद है द्वैत अद्वैत मतवाद, लेकिन हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं, जो ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो मध्वाचार्य, इनका संप्रदाय का जो हमारे संप्रदाय का जो मतवाद है वो है द्वैत मतवाद। सब में अद्वैत लगाए लेकिन हमारे केवल द्वैत मतवाद, जीव और ठाकुर, जीव और ईश्वर स्वतंत्र अलग अलग हैं, द्वैत मतवाद। इनके जो फोटो है, फोटो देखने से ही पता चलेगा हर समय ऐसे ही रहते हैं, अंगूठी को डो करके हर समय ऐसे रहते हैं, द्वैत मतवाद। तो बता रहे हैं कि कोई अगर आचार्य बने, कोई अगर आचार्य बने तो तीन चीज में उनका भाष्य होना चाहिए, स्मृति स्मृति और
न्याय में तीन चीज में उनका तीन प्रस्थान त्रय है, ये प्रस्थान त्रय में उनका भाष्य होना चाहिए। तो बता रहे स्मृति प्रस्थान जो 12 उपनिषद है उनमें कठोर मुंडक तैतरीय ऐतरीय ईसो ये जितने भी उपनिषद है इनमें इनका क्या होना चाहिए ना भाष्य होना चाहिए। और स्मृति श्रीमद भागवतम गीता में भी इनका भाष्य होना चाहिए। और युक्ति प्रस्थान यानी न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र इनमें भी इनका क्या होना चाहिए ना भाष्य होना चाहिए। देखो इन्होंने बड़े सुंदर रूप में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ना इनका जो टीका लिखा पहले तो तीन टीका लिखा इन्होंने क्या है व्याख्यान भाष्य अनुभाष्य और सूत्र भाष्य। सूत्र भाष्य में केवल सूत्र सूत्र लिखा विशेष विशेष ब्रह्म सूत्र का जितने भी सूत्र है उसमें वह केवल सूत्र सूत्र लिखा। और अनुभाष्य में उसका श्लोक श्लोक को उद्धृत करके केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक दिया। और जो व्याख्यान भाष्य है उसी श्लोक की व्याख्या करते हैं विस्तृत रूप में और विशेष करके पांच भेद बताया माया और जीव के बीच में भेद ईश्वर और जीव के बीच में भेद जीव और ईश्वर के बीच में भेद जीव और जीव के बीच में भेद और माया और ईश्वर के बीच में भेद इस प्रकार का इन्होंने विशेष करके पांच भेद बताया। और बता रहे हैं कि विशेष करके इन्होंने श्रीमद् महाभारत भागवतम के बड़े सुंदर सुंदर टीका के भी कुछ भाष्य रचना किया। और बता रहे हैं कि महाभारत के जो तात्पर्य निर्णय भाष्य महाभारत का क्या तात्पर्य है महाभारत का क्या अर्थ है उसका पूरा एक तात्पर्य निर्णय भाष्य भी इन्होंने विशेष करके रचना किया। इसी प्रकार ये तैतरीय उपनिषद और मुंडक उपनिषद में बहुत सारे उपनिषद को लेके एक कवि भाष्य एक कवि भाष्य भी इन्होंने जगत में रचना किया। कवि यानी एक इसको एक गीत के रूप में जिस प्रकार बड़े बड़े शास्त्र को हमारे भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने एक कीर्तन के माध्यम से बांग्ला कीर्तन के माध्यम से प्रकाशित कर दिया इन्होंने भी क्या किया उस सारे उपनिषद को संस्कृत उपनिषद को एक कविता के रूप में इन्होंने जगत में प्रकाशित किया ताकि हम लोग जैसे बद्ध जी उसको समझ पाए। इसी प्रकार इनका और एक जो प्रकाशित विग्रह के महिमा आता है कि बता रहे हैं कि किसी समय ये उसी उडुपी क्षेत्र में ही जो नदी है उसी नदी के पास बैठे थे और एक नौका जा रहा था तो नौका डूबने ही वाला था तो वहाँ जैसे तैसे करके उस नौकेदार ने क्या किया देखा एक साधु सन्यासी है तो उनको पास आके प्रणाम किया और प्रणाम करते ही बोला कि मेरे नौका डूबने वाला है कृपा करके मुझे बचाइए। तो मध्वाचार्य तो सब जानते ही हैं मध्वाचार्य सब कुछ जानते हैं बोले देखो तुम्हारे नौका तो डूबने से मैं बचा दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो बोले क्या दूं तो बोले तुम्हारे पास द्वारिका से लाए हो बड़े बड़े दो तिलक का मिट्टी है तुम्हारा उससे कोई प्रयोजन नहीं है हम वैष्णव हम क्या करते हैं हर समय तिलक लगाया करते हैं तुम हमें क्या करो तिलक को हमें दे दो। तो उन्होंने खुश होकर क्या किया तिलक को दे दिया यद्यपि तिलक का मिट्टी क्यों रखते हैं जहाज में नौका में क्या करेगा बैलेंस बनाए रखेगा इसलिए लेते हैं उन लोग। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा बैलेंस भी बना रहेगा तुम क्या करो तिलक का दो मिट्टी दे दो हमें। तो तिलक का बड़े बड़े ढेला क्या करता है वो मध्वाचार्य को दे देते हैं और वहाँ से ही वो सकुशल नौका से बैठ के फिर नदी में चले जाते हैं जहाज से बैठ के। तो बता रहे हैं एक तिलक को लेते समय उसी तिलक को तुरंत वो फट जाता है और वहां से बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं पहले बलदेव प्रभु दो बोला है ना वहां पे दो मंदिर है तो बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं अभी भी बलदेव प्रभु का वहां पे विग्रह है तो बलदेव प्रभु प्रकट हो गए। फिर दूसरे जो गोला था दूसरे गोला को जैसे लेकर आ रहे थे तो आते समय एक वही उड़ुफी क्षेत्र में ही वो दूसरी डोला को फट जाता है उसमें बड़े सुंदर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं बोल भक्तेश्वर भगवान की गोपाल जी इतने अद्भुत सुंदर गोपाल जी एक हाथ में उनका दंडा है दधि मंथन वाला जो दंडा है और एक हाथ में उसका रज्जु रस्सी धारण करते हुए गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। तो जो चार संप्रदाय के जो ग्रंथ है उसमें हमारे गुरुदेव बड़े सुंदर बात को लिख रहे हैं बोल रहे हैं ये गोपाल जी कौन है तो बोल रहे हैं कि जिस समय बज्रनाभ ने द्वारिका क्षेत्र में तीन विग्रह को प्रकाशित किया गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन को उसी समय पे ही ये बज्रनाभ के द्वारा ये प्रकाशित ये गोपाल जी हैं।
तो बता रहे हैं कि काल क्रम से वो द्वारिका में ही थे, और द्वारिका में जो गोपी तालाब थे उसके अंदर ही रह गए थे, तो उसके अंदर से तिलक के अंदर ये छुप के रह गए थे। फिर उसी तिलक के द्वारा ये साउथ में दक्षिण में आके फिर माधवाचार्य के द्वारा ये प्रकाशित हुए। ये गोपाल जी का भी बड़ा महिमा है, गोपाल जी का बड़ा महिमा है। और इनके गांव में सब लोग ब्राह्मण ही थे, तो बता रहे हैं कि सारे के सारे ब्राह्मण, एक कनकदास बोल के भगवान का परम भक्त था, क्या कनकदास, तो बोल रहे हैं ये शूद्र कुल में जन्म ग्रहण किए थे, हर समय इन ये क्या करते भगवान का परम भक्त भक्ति करते थे। तो बता रहे हैं कि ये गोपाल जी को दर्शन करने चाहते थे, लेकिन शूद्र कुल में जन्म ग्रहण किए थे, निम्न कुल में जन्म ग्रहण करने करने के कर किए थे, इसीलिए ब्राह्मण इन लोग को छोड़ते नहीं थे, ब्राह्मण लोग इनको छोड़ते नहीं थे। तो बता रहे हैं कि ये बड़े व्याकुल हुए भगवान को दर्शन करने के लिए, तो भगवान ही क्या किए, भगवान बोले मैं खुद तुम्हें दर्शन दे दूंगा। गोपाल जी ऐसे पीछे मुड़ गए, और एक खिड़की था, उस खिड़की के पास गोपाल जी स्वयं रूप में प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। अभी भी जो उडुपी में जो कृष्ण गोपाल जी का मंदिर है, उसी गोपाल जी का दर्शन जो क्या होता है, मंदिर के मुख्य द्वार से नहीं होता, मुख्य द्वार से ठाकुर जी ऐसे पीछे करके हैं, ठाकुर जी ऐसे मुड़ गए हैं कहाँ तरफ, किस तरफ, खिड़की के तरफ, और अपने भक्त को दर्शन दिया। बता रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पास कि जय भजे सेई बड़ अभक्त ही न छार, कृष्ण भजन रे नाई जाती कुलादि विचार। जो भजन करता है वो बड़ा होता है, अभक्त ही न छार, कृष्ण भजन में जाति कुल का विचार नहीं है। बता रहे हैं जात पूछ पूछे न कोई, हरि का भजे तो हरि का हो। जो भगवान भजन करता है वो भगवान का ही होता है। किस प्रकार विग्रह साक्षात है, यहाँ पे प्रमाण देते हैं गोपाल जी, हम मानते ना विग्रह तत्व को मानते नहीं, साक्षात भगवान कैसे अपने भक्त के लिए मुड़ गए। और इनका अंतिम में बस एक बात और कह देता हूँ, अंतिम में अप्रकट लीला भी किया ना जगत में, इनका बहुत सारे शिष्य हुए, श्री नोहरीचार्य शिष्य, और इस प्रकार 12 शिष्य विशेष करके किए, और चारों तरफ भगवान के ये जो द्वैतवाद को प्रचार किया और मायावाद को पूर्ण रूप में इन्होंने खंडन किया, विशेष करके मायावाद को पूर्ण रूप में इन्होंने खंडन किया, और बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ भी रचना किया, 1600 ग्रंथ रचना किया, और 16000 भाष्य लिखे, कितना 16000 भाष्य लिखे। और बता रहे हैं कि बड़े विख्यात भी हुए, और इनके इनके द्वारा प्रकाशित ये श्री रंगनाथ जी क्षेत्र में एक गदा देवी हैं, गदा देवी बोल के, इनको भी बाद में इनके द्वारा ही, गदा देवी लुप्त हो गए थे, बाद में इनके द्वारा ही प्रकाशित किया। और उसके पश्चात श्री माधवाचार्य ने वहाँ पे इनका जो अप्रकट लीला, वहाँ पे 8 मठ था विशेष करके, तो उसी 8 मठ में से कोई एक मठ में ये मध्वाचार्य जी ये तैतरीय उपनिषद के ऊपर कथा कर रहे थे और भगवान के नाम ले रहे थे। उसी समय ही ये कौन है, साक्षात हनुमान जी, साक्षात भीमसेन जी, वायु के साक्षात पुत्र हैं, भगवान के ही सत्यावेश अवतार हैं, भगवान ही अपने सारी शक्ति को संचारित करके इनको जगत में प्रचार करने के लिए भेजे हैं। तो बता रहे हैं इन्होंने जैसे ही कथा शुरू करते हैं ना, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होता है, सारे देवता लोग वहां पे पुष्प वृष्टि किया, और पुष्प में पूरा ढक गए, पुष्प में पूरा ढक गए। कुछ समय के पश्चात उनके सारे जितने 12 शिष्य थे विशेष करके, वो सारे शिष्य लोग पुष्प के अंदर उनको ढूंढते लगते हैं, लेकिन उनके अंदर और नहीं थे। इसी प्रकार इन्होंने, और भी एक बात है, इन्होंने वेद व्यास के द्वारा बद्रिकाश्रम में गए, और बद्रिकाश्रम में साक्षात वेद व्यास ने इनको पूरा का पूरा सारे टीका सारे वाच्य, वेद व्यास का भी विशेष कृपा हुआ इनके ऊपर। तो बता रहे हैं कि एक समय पे वो नित्य रूप में वहीं पे क्या हुए ना, अंतर ध्यान हो गए। तो इसी प्रकार हमारे संप्रदाय के जो मूल आचार्य, जिसके लिए हम बोलते हैं ना ब्रह्म मध्व घोड़े संप्रदाय, और हमारे संप्रदाय का ये आचार्य हैं, और आज उनका सुबह आविर्भाव तिथि, व्यास पूजा तिथि, आज की तिथि से ही उन्होंने इस जगत में आके इतने सुंदर सुंदर भगवान के प्रचार किया। हम सबके ऊपर भी कृपा करें, उनके हेतु की कृपा हो, वांछा कल्पित माधवाचार्य की। अगर कलयुग में भगवान की भक्ति करना तो कोई किसी एक वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर भक्ति करनी चाहिए। अगर कोई वैष्णव संप्रदाय को छोड़ करके मनमानी जो भक्ति करते हैं,
अभी बहुत सारी संप्रदाय अलग अलग, वो अपना उदासीन संप्रदाय, जो मायावादी संप्रदाय, पता नहीं कितने कितने, लेकिन शास्त्र खुद कहता है ये चार वैष्णव संप्रदाय को छोड़ करके अगर और कहीं मंत्र ग्रहण करे वो मंत्र का कोई फलीभूत नहीं होगा, वो मंत्र फल नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा फल? उसके कारण है वो किसी संप्रदाय में अंतर्भुक्त नहीं, जैसे हमारी संप्रदाय है, जैसे हम लोग जो मंत्र जप करते हैं, गोपाल मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, बोले ये मंत्र आया कहाँ से? बोले जिस समय भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, तब उन्होंने जब उन्होंने तपस्या किया, त और प दो अक्षर सुने, तब उन्होंने तपस्या की, उसी समय भगवान ने कहते ज्ञानम में परम गृहम जत विज्ञान समन्वितम सरहस्यंच तदगंच ग्रहणम गदितम। भगवान अपना विज्ञान सहित ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, कहते ना अपना वंशी ध्वनि के द्वारा जो हम गोपाल मंत्र जप करते हैं, कृष्ण मंत्र, कहते ये भगवान ने ही ब्रह्मा जी को प्रदान किया। पर ब्रह्मा जी क्या किया? बोले नारद जी किया। फिर नारद जी ने क्या किया? बोले व्यासदेव को दिया। फिर व्यासदेव ये मध्वाचार्य को दिए, ये मध्वाचार्य को दिए। फिर ये जो मंत्र ये भगवान से, ये गुरु परम्परा माध्यम से अभी जो मंत्र है हमारे तक आई है। अगर इसी लाइन में कोई खड़ा हुआ हो, हैं, खड़ा हो, अगर सही वैष्णव संप्रदाय लाइन में कोई खड़ा हुआ हो, एक दिन ना एक दिन उसको लाइन लगेगा, मतलब उसको नंबर आएगा। अगर कोई बिना लाइन में कोई खड़ा हुआ हो, भैया जिंदगी भर खड़े रहो तो मिलेगा नहीं, क्यों? तुम लाइन में गलत लाइन में खड़े हुए हो। जैसे किसी अगर मेन इंजन को साथ में अगर कोयला की अगर डिब्बा अगर जुड़ जाए ना, वो सही जगह पर पहुँच जाएगा, भले ही सोने की डिब्बा क्यों नहीं हो, अगर मेन इंजन के साथ में जुड़ा हुआ ना, वो जहाँ के तहाँ खड़े रह जाएंगे, हैं। इसलिए अगर शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में अगर हम जुड़ेंगे, क्योंकि ये मंत्र भगवान से ही गुरु परंपरा रूप में यहाँ तक आया, इसलिए इसका नाम बोले संप्रदाय। संप्रदाय मतलब क्या? सांग मतलब होता है सम्यक रूप में, प्र मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में, दान जो हमें दान देता है, इसलिए उसको संप्रदाय बताया गया है। इसलिए कहते जो मध्वाचार्य संप्रदाय है, अभी प्रश्न है ये चार वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्मा रुद्र और संग, चार वैष्णव संप्रदाय, अभी प्रश्न होता है महाप्रभु ये संप्रदाय को, मध्वाचार्य संप्रदाय को उन्होंने क्यों ग्रहण किया? उन्होंने सारे संप्रदाय में जाकर के देखे, लेकिन उन्होंने यही संप्रदाय स्वीकार किया। बोले कारण किया? बोले कारण है महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इसी जगत में आते हैं, और आ करके कहते वो जो दुर्लभ ब्रज प्रेम जो अनर्पित चरण चिराग, कहते ब्रह्मा का एक दिन पहले जो उन्होंने प्रेम प्रदान किया, महाप्रभु एक बार आकर को दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं। और प्रेम किया है बोले राधा रानी की चरण की सेवा, उनका निकुंज सेवा को, कहते ये मंजरी वह अनुगत्य में जो राधा जी की सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने देखा चार संप्रदाय में कौन सा संप्रदाय में ये ब्रज भाव है, हैं, जो चीज मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने घूमते घूमते जब उन्होंने इसी संप्रदाय में आए, उन्होंने क्या देखा? अभी सुन रहे थे ना, उनको जो तिलक का मिट्टी जब टूट गया, बड़े सुंदर कृष्ण मूर्ति प्रकट हुई, और एक हाथ में रज्जु और एक हाथ में मंथन का जो दंड है ना, जो दही की दधी को मंथन करते हैं, उसमें वो दंड था, मतलब वो जो भाव है ये ब्रज का भाव है। कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं, ये ब्रज की ये भाव है, इसलिए उन्होंने देखा इसके अंदर में ये ब्रज भाव है, जो चीज को मैंने देने के लिए आया था। इसलिए मध्वाचार्य श्री हमारे महाप्रभु ने इसी संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया है, कहते ये कारण। और दूसरा कारण उसमें दिखाए, उसमें आठ सन्यासी होते हैं, जो आठ सन्यासियों को देखा, ये आठ सन्यासी गोपियों को भाव से ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं, और महाप्रभु तो वही गोपी भाव को देने के लिए कलयुग में, इसलिए बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम। कहते हमारे आराध्य देव कौन है? बोले जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण, ये हमारे आराध्य हैं। कहते वो रहते हैं कहाँ पर? बोले वृंदावन में। बोले उनको कैसे भक्ति करनी चाहिए? बोले ब्रज वधु वर्गीण जागृतिता। कहते ब्रज के गोपियों ने जैसे भजन किया, हमको वैसे भजन करनी चाहिए। कहते ये किसका मत है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम
तत्रादर ना कर, ये महाप्रभु का ये मत है, इसलिए उसको ही आदर करो और किस चीज को आदर नहीं करनी चाहिए है। इसलिए महाप्रभु ने जब चीज को उन्होंने देखा बोले हमें इसी संप्रदाय को ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए महाप्रभु इस संप्रदाय को उन्होंने ग्रहण किया है। और मध्वाचार्य का जो फिलोसफी है, जैसे भक्त विनोद ठाकुर का जैसे उन्होंने 10 मूल लिखे हैं, हम नाय प्रातत्व हरिभ्य हम परम सर्व सत्यम रसाभ्यम तत् विवर्णांश कबलितम जीव कबलितम, उसमें उन्होंने 10 मूल तत्व लिखे। 10 मूल मतलब होता है जैसे उसको कहते हैं दशामूलारिष्ट, एक दवा है, वो 10 तरह का जड़ी बूटियों से बनता है, अगर उसको खाओ ना शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, शरीर में बड़ी ताकत आएगी। इसलिए जैसे भक्तिमय ठाकुर का उन्होंने ठीक मध्वाचार्य का ही जो फिलोसफी उन्होंने भक्तिमय ठाकुर एक श्लोक रूप में बताए हैं, इसलिए कहते आमनाय मतलब गुरु परंपरा जरूर होनी चाहिए है, उसमें भगवान ही परम तत्व है, भगवान रस स्वरूप जो जीव कौन है, भले भगवान की अंश ही ये जीव है, उसका विभिन्न अंश है। इसलिए मध्वाचार्य का हम लोग मूर्ति देखे हो नहीं देखे ना, हाँ कभी यहाँ पर चार संप्रदाय आचार्य देखते हैं, इसलिए उनको मूर्ति देखो वो ऐसे वो हाथ को ना वो ऐसे करके रखे हुए यहाँ पर नहीं, उन्होंने ऐसे करके हाथ को रखे हुए, मतलब क्या है बोले ये जीव कभी भी ये ब्रह्म नहीं बन सकता है, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, हर समय वो दो ही रहेंगे, इसलिए जो इनका मतवाद द्वैत द्वैत मतलब जीव और भगवान दो, जीव हर समय क्या कौन है भगवान की सेवक है, किसमें द्वैता देते किसमें शुद्धा देते थोड़ी थोड़ी मिला हुआ, लेकिन पूरा उन्होंने बोले जीव कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता है, हर समय जीव भगवान की सेवक ही बन करके रहेगा है, इसलिए पूरा ऐसे उनका हाथ है। इसलिए आप लोग की कथा श्रवण किया, हमको जो बच्चे होते थे मर जाते थे, इसलिए भगवान विष्णु का आराधना करके बोले हमें एक अमर पुत्र चाहिए, हमें एक अमर पुत्र जो जो पुत्र कभी मरेगा नहीं, इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने ये अमर पुत्र ये मध्वाचार्य जन्म हुए, जो भीम और हनुमान दोनों मिलकर को एक श्री मध्वाचार्य जन्म हुए, सचमुच से वो मरे नहीं, वो ऐतरी उपनिषद पाठ करते करते देवता ने पुष्प वृष्टि किया और उसको निकाल कर देखा वही नहीं, क्यों भगवान को प्रार्थना किया ना अमर पुत्र हमें चाहिए, इसलिए उनको घर में अमर पुत्र हुए। इसलिए वो भीम और हनुमान का मिला हुआ, वो इतने बलवान थे, इतने एक साथ में 100 घड़े जो घड़ा दूध एक साथ में 100 हजार केले को दूध में केले हैं वो सबके सब खा जाते थे। एक समय कोई जो पहलवान था वो बहुत बड़ा पहलवान था, और डी घाटता था कोई हो तो मेरे हाथ में दो हाथ कर लो, कोई हो तो दो हाथ कर लो, जहाँ एक शरीर कहीं ना कहीं सवा शरीर मिल जाते, ऐसे करते करते जब इनको पास में कभी गए तो बोले सुनोई तो बोले मेरे साथ में कोई हो दो हाथ कर लो, इन्होंने बोले युद्ध क्या करोगे मेरे एक पैर का अंगुल उठा कर दिखा दे फिर तो युद्ध करोगे, उन्होंने इसको पैर का एक अंगूठी उन्होंने कोशिश किया उनके एक अंगुली को उठाने के लिए सारे जी जान लगा दिए, एक अंगुल पैर का अंगुल को भी उन्होंने उठा नहीं पाए, जो तो युद्ध क्या करेगा एक पैर का अंगुल तो उठा नहीं पाए, हाँ ऐसे बलवान थे। एक समय उन्होंने अपना शिष्यों के साथ में जा रहे थे, कहीं एक बाघ ने आक्रमण किया, उनको मारे एक थप्पड़ बाघ को, एक थप्पड़ मार के उसका राम नाम सत्य कर दिए, एक थप्पड़ से उसका राम नाम सत्य कर दिए। कहते कोई एक नदी थी, कहते नदी में एक तरफ मुसलमान लोग और एक तरफ हिंदू हैं, ये हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान हर समय लड़ाई रहा, और कोई भी ये नदी पार करते हुए उस तरफ में कोई नहीं जाया करते थे हैं, कोई नहीं जाते थे। इन्होंने बड़े साहस पूर्वक अपना शिष्यों को लेकर के बोले चलो हम चलते हैं अपना सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए चलते हैं, इन्होंने पूरा अपना शिष्यों को लेकर तैरते हुए उन्हें नदी को पार कर गए और वो मुसलमान राज्य में उन्होंने पहुंच गए, और पहुंच गए कि वहाँ पर जो मुसलमान राजा इनकी रूप को देख रहे थे तेजस्वीपूर्ण रूप को देख मुग्ध हो गए, इनको मुग्ध हो गए पावर क्या स्वरूप इनकी, हमको फोटो देखना कितने बलवान भीम और हनुमान मिल कर गया है ना, इसलिए इनका स्वरूप भी बड़े
बड़े हट्टे कट्टे स्वरूप, बड़े सुंदर स्वरूप है, इसलिए बहुत लंबे चौड़े थे ये मध्वाचार्य, इसलिए उन्होंने इतने उन्होंने मायावाद को श्री शंकराचार्य के जहाँ मतवाद है उन्होंने इतने खंडन किया इन्होंने आकर, क्यों? पहले तो शंकराचार्य आए, पहले बौद्धवाद था, बौद्धवाद होता है जो शून्यवाद, जगत में भगवान भगवान कुछ नहीं, मरने के बाद जाकर के शून्य में लीन हो जाओगे, पहले ये मतवाद था। भगवान ने देखा ये मतवाद जीव का अत्यंत अत्यंत हानिकारक, कभी जीव का कल्याण नहीं होगा, जिसमें भगवान की कोई सत्ता ही नहीं, भगवान की, भगवान भगवान कुछ नहीं, शून्य से आया, मर गया तो शून्य से चले जाओगे, इसलिए क्या कर रेडी करके घी खा लो, मरने के बाद शरीर तो जल्दी खत्म हो जाएगा, मरने के बाद कौन रेडी चुकाने के लिए आएगा, इसलिए ऋणी करके भी घी खाकर अपना शरीर को तंदुरुस्त कर, शरीर सब कुछ है, ऋणम कृत्या घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूत से देह से पुनः कुत आगमन भवति, इसलिए मरने के बाद कौन ऋण चुकाने के लिए आएगा, इसलिए जो खाओ इस शरीर को पुष्ट कर, ऐसे मतवाद बोले तो पूरा अत्यंत नास्तिक मतवाद, इसलिए उन्होंने शंकर जी को भेजा है, शंकर जी को भेजा बोले ये काम साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर भगवान ने देखा अगर किसी आचार्य को भेजे जो व्यक्ति एकदम भगवान भगवान नहीं मानते, कोई आकर बोले हम कौन है, भगवान का सेवक है, भगवान हमारे प्रभु उनका सेवक है, कोई मानेगा? बोले हम भगवान बनना चाहते, क्यों भगवान का सेवा करेंगे, है भगवान की सेवा क्यों करेंगे, हम भगवान बनेंगे भगवान की सेवा, इसलिए उन्होंने देखा नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य जी को बुला कर भेजा, जाओ तुम जाकर जीव को बोला तू ही तो भगवान, अगर किसी को बोल दे भगवान भगवान तू नहीं बोल, अरे तू तो भगवान, खुश हो जाएगा, मैं भगवान हूँ, हैं खुश हो जाएगा ना, अरे मैं भगवान हूँ, खुश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य जी आकर अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं वही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम वही हो, सर्वम खलु इदं ब्रह्म सब ही ब्रह्म है, बस उन्होंने आकर के, क्योंकि शंकर जी स्वयं शंकर है और प्रभावशाली थे स्वयं शंकर जी, इसलिए उन्होंने बोले ये काम को तुम कर सकते हो, जीव जा करके कहते शून्यवाद से ब्रह्मवाद में तुम परिणत करो, फिर उन्होंने पहले बड़े दुखी हुए, बोले प्रभु जी मेरे को ये सब काम में क्यों लगा रही, अत्यंत अत्यंत घृणित काम, जीव थोड़ी कभी भगवान बन सकता है, जीव तो जीव है, इसलिए मेरे को ये काम में क्यों लगा रहे, बोले देखो जीव का कल्याण होगा इसलिए तुमको भेज रहा हूँ, ये काम और कोई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आकर के उन्होंने फिर ब्रह्मवाद को स्थापन किया, फिर जब कुछ था नहीं, फिर कुछ हो गया नहीं, जीव ही ब्रह्म, फिर उन्होंने ये रामानुज मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निबार को धीरे धीरे महा भगवान ने भेजा, फिर उन्होंने वैष्णव धर्म को प्रचार किया, नहीं जो जीव है वो ब्रह्म नहीं, वो जीव भगवान का दास है, इसलिए उन्होंने ऐसे दो दो मतलब जीव और भगवान कभी एक नहीं और इसमें दो रहेंगे, है इसलिए फिर उन्होंने जब उन्होंने आकर के शंकराचार्य को जब फिलोसफी शंकराचार्य हाँ बोले ना इसका जो फिलोसफी है तुम ही ब्रह्म हो, अभी माया तुम्हें पकड़ लिया इसलिए तुम अपने आप को जीव कहते हो, इसलिए क्या करो तुम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि मंत्र को जप कर एक दिन ब्रह्म ज्योति में लीन हो जा, है लीन हो जा, इसलिए इन्होंने ऐसे उसका मतवाद खंडन किया, बोले जीव जिस जीव से मिल ब्रह्म में मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया जैसे आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास पानी में जो पानी मिला होगा मिल जाएगा ना, आधा ग्लास पानी में जो और थोड़ा पानी मिला होगा मिल जाएगा, कहते नहीं मिल रहा है, मिलता तो पानी बढ़ा क्यों, अगर पानी में पानी अगर मिल जाती ग्लास में बढ़ जाती है ना तो बढ़ेगी क्यों, मिलेगा तो एक हो जाएगा ना जितना, इसलिए कभी जीव कभी नहीं मिलता है, जब कभी जीव भगवान से कभी नहीं मिलती है, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे मतवाद दे करके उन्होंने शंकराचार्य को फिलोसफी को खंडन किया ना, शंकराचार्य को सहन नहीं वाली मेरे सारे मतवाद को खंडन करके और शुद्ध वैष्णव धर्म को प्रचार करे, फिर शंकर जी दो बार प्रकट हो गए, शंकर जो शंकराचार्य चले गए थे लेकिन उन्होंने दो बार फिर प्रकट हो गए, और उन्होंने दो बार प्रकट होकर के उन्होंने किया कि फिर उन्होंने मध्वाचार्य को साथ में शास्त्रार्थ किया, और मध्वाचार्य उनके सारे फिलोसफी को तसनस कर दिए, खंडन कर दिए, बोले इसलिए इन्होंने आकर के जगत में हमारे वैष्णव धर्म को जगत में उन्होंने आकर के प्रचार और प्रसार किया है, हैं प्रचार प्रसार किया, अगर ये नहीं होते तो अभी थोड़ी बहुत हम जो प्रभु की भक्ति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठाकुर की सेवा पूजा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ अभी नहीं होता, इन लोगों ने आकर के
फिर जगत में शुद्ध भक्ति धारा को जगत में प्रचार और प्रसार किया है। इसलिए आज उनका जन्मतिथि, ये हम सबको पर में कृपा करे। इन्होंने जैसे भगवान की भक्ति को जगत में प्रचार और प्रसार किया, हम भी एक दिन जगत में भगवान की भक्ति को प्रचार और प्रसार करनी चाहिए और शुद्ध वैष्णव धारा को जगत में स्थापन करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यही महाप्रभु का इच्छा है, यही भगवान की इच्छा, जगत में मेरी सेवा पूजा जगत में प्रचार और प्रसार हो। और आप भी मिल करके अड़ोसी पड़ोसियों में सबको भगवान की कथा सुना और सबको भगवान की भक्ति में लगा, ठीक है। बोले श्री मध्वाचार्य की जय, बोले भीमसेन की जय, हनुमान की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद।